ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं इस घंटे को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। श्रद्धा कपूर कुछ दिन पहले पीले लहंगे के साथ नजर आई थी और उन्होंने साल की सबसे बड़ी हल्दी सेरेमनी का ऐलान किया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि श्रद्धा कपूर जल्द ही शादी कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आई, लेकिन श्रद्धा कपूर की ओर से कुछ भी पुख्ता नहीं हो सका। लेकिन अब श्रद्धा कपूर के पिता और मशहूर एक्टर शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर की शादी को लेकर खुलासा कर दिया है। शक्ति कपूर ने साफ कह दिया है कि कौन होगा दूल्हा और किस तरह होगी शादी। इसका मतलब यह नहीं कि श्रद्धा कपूर की शादी पक्की हो गई है। इंस्टाग्राम पर शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर की शादी से जुड़ी पूरी जानकारी दी है। वे कह रहे हैं कि हर पिता चाहता है कि उसकी औलाद अच्छे परिवार में जाए, अच्छे घर में जाए, आगे बढ़े, लेकिन आपको थोड़ा सा अधिकार बच्चों को भी देना चाहिए। वो ज़माना चला गया जब आप बोलते थे कि ये लड़का मैंने पसंद किया है, इससे तेरे को शादी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, अब तो बच्चों से पूछना पड़ता है, लेकिन अभी वे काम में बहुत मशगूल हैं। मेरे हिसाब से जब वो बोलेगी मुझसे इससे शादी करनी है, तब होगी। शक्ति कपूर ने कहा कि श्रद्धा कपूर के पसंद के लड़के से ही उनकी शादी होगी। लीजिए, शक्ति कपूर ने तो कह दिया कि वे बेटी श्रद्धा की मर्जी से ही उसकी शादी करेंगे। शाहिद कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू है।